Our next topic is adaptation of organisms to live in a habitat. Plants and animals live in different habitat. पौधे और जानवर different habitat में जिंदा रहते हैं. They develop special features that help them to live in their habitats. उनमें कुछ ऐसी ख़ास खसूसियात पैदा होती हैं ताकि वो अपने habitat में जिंदा रह सकें. These special features are called adaptation. और यही कुछ ख़ास खसूसियात जो हैं वो adaptation कहलाती हैं. An adaptation is a change in the organism's body or behavior that help to survive in its habitat. Adaptation क्या है? किसी भी organism की body में आने वाली changing या उसके बिहेवियर में तब्दीलियां ताकि वो अपने हैबिटेट में ज़िंदा रह सके. ऑर्गेनिजम्स दैट आर नॉट वेल अडॉप्ट टू देयर हैबिटेट मे नॉट सर्वाइवल. जो ऑर्गेनिज्म अपने हैबिटेट को अपना नहीं सकते वो मर जाते हैं, ज़िंदा नहीं रह सकते. एक्वेटिक habitat. Animals and plants live in aquatic habitat have much body parts that help them to live in water. जो पौधे और जानवर aquatic habitat में जिंदा रहते हैं उनके बहुत सारे body parts उनको मदद देते हैं ताकि वो पानी में जिंदा रह सकें. Number one, streamline body shape is an important adaptation for animals to move easy through water. Streamline body shape सबसे अहम होती है ताकि जानवर easily पानी में move कर सकें. Streamline shape ऐसे shape होती है जो easily move करवा सके, जैसे कि aeroplane होता है, उसकी shape आगे से देखिए कैसी होती है, एक curve shape होती है. इसी तरह fishes की, तो ये जो animals हैं इनकी भी स्टीम शेप लाइक होती है बॉडी. नंबर टू, वेब्ड फीट ऑफ डक, सीगल्स एंड फ्रॉग वर्क लाइक ओरस टू हेल्प मूव इन वाटर. बतखें और पानी में रहने वाले बर्ड्स जिन्हें बगले भी कहते हैं और फ्रॉग, इनके पांव ऐसे काम करते हैं जैसे कि किसी भी कश्ती का चप्पू होता है, उनको पानी में मूव करने में मदद देता है.